हेलो दोस्तों, मैं अजीत। आज मैं खुद से बाइक धो रहा हूँ क्योंकि सर्विस के लिए गया था। तो आप देख सकते हैं सर्विस में जो धोने वाले होते हैं वो थे नहीं, तो बोले कि अगर आपको धोना है तो आप अपने से धो सकते हो या तो फिर कुछ टाइम बाद धो सकते हो। मैंने सोचा चलिए भाई, मैं खुद से आज थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लूँ कि कभी धोया नहीं था, तो मशीन से तो मैं चला पहली बार बाइक को धो रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जो इसका प्रेशर काफ़ी हाई है दोस्तों, अगर उस पर हाथ लगाओगे तो बहुत ज़्यादा घाव लगता है, चोट भी पहुँच सकती है। अगर क्लोथ करके मारोगे तो छेद भी हो सकता है दोस्तों, अगर जहाँ मारोगे तो। और जो इसका लाइट है, बहुत प्रॉब्लम था लाइट का, कट रहा था आ रहा था, अभी देखोगे तो कभी भी कट जाएगा तो इतना प्रेशर नहीं मारेगा। जब ये लाइट रहता है दोस्तों तभी ये प्रेशर देता है, क्योंकि लाइट से चलता है तो इस वजह से ये प्रेशर लाइट से देता है दोस्तों। और वैसे भी ये पानी टंकी से जो पानी आता है ना, उस वजह से इसका जो प्रेशर नहीं बन पाता है, इसमें आपको लाइट चाहिए। अभी आपको दिखेगा जब लाइट कट जाएगा तो इसका जो प्रेशर है काफ़ी कम हो जाएगा। मैं इससे पैर पे मार रहा था, जो कि आप देखेंगे तो इसका फोर्स जो है वो चौड़ा में है, ज़्यादा फोर्स नहीं है। अगर आप पतला करके मारोगे तो छेद हो जाएगा जहाँ भी मारोगे, और इसका जो काफ़ी ज़्यादा फोर्स है दोस्तों। और ये जो धोने वाला है वो लगभग 15,000 के लगभग इसका मशीन आता है, मैं कभी आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। अभी लाइट चल जाएगा, लाइट चल गया दोस्तों, मैं गया हूँ उधर, अभी आपको दिखाऊंगा। देखेंगे ना, ये एकदम थोड़ा 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 दे रहा है, देखो ये अब ऐसा दे रहा है, लाइट नहीं है इस वजह से इस प्रकार से देगा। ये जितना प्रेशर आ रहा है सिर्फ पानी टंकी ऊपर बैठा है ना, उस प्रकार से इतना ही प्रेशर दे रहा है, बस इतना ही आपको देखने को मिलेगा। अगर लाइट रहता तो ये प्रेशर काफ़ी तेज होता, और जैसे चाहते हो वैसा भी आप कर सकते हैं। ये सिर्फ टंकी का जो है, और मैं ये घर पर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो भी है ये सर्विस कराने के लिए गाड़ी गया था, मैं वहाँ पर इसे धुल रहा हूँ, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं था फिर भी था। मैं वहाँ पर इसलिए वीडियो नहीं बना कि वहाँ पर अलाउड नहीं है, और जो मैं बाइक धो रहा था तो मैं अपना खुद काम कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं अपना तो वीडियो बना ही सकता हूँ, इस वजह से मैं अपना वीडियो बनाया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अकेले ही हूँ और सब उधर वाले हैं अपना काम कर रहे हैं। लाइट आ गई है, आप देख सकते हैं इसका प्रेशर काफ़ी हाई हो चुका है। और बाइक से नई बाइक दोस्तों, इसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूं, जो इसका प्राइस कितना है, अगर आप इसे ईएमआई पर लेना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको फिर से जानना है इसके प्राइस और इसके ईएमआई के बारे में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपके पास ये न्यू बाइक है तो आप बताइए आपको कितने पड़ा, थोड़ा मुझे नॉलेज भी हो जाएगा कि अभी कितना चल रहा है एक शोरूम प्राइस से। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से हो। पहले लाइट नहीं थी तो ऐसे ही धो रहा था, तो अब लाइट देखिए आ गई है, प्रेशर काफ़ी हाई हो गया है आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से धुल जाता है अगर शैम्पू लगाओगे तो, और अच्छे से। अब वहाँ पर शैम्पू वैम्पू तो था नहीं। चलिए दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जानकारी क्या है दोस्तों, आप इसे ब्लॉग के तौर पर देख सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। We out here moving forwards, now we ain't getting posterized. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers, you better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness, famous.